बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बरबर सलार एपिसोड नंबर 20 के हवाले से। आज के हमारे मौजूदात मरियम के हवाले से होंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बरबर सलार की रेटिंग हमेशा कम क्यों आती है। मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मौजूद नाज़रीन इकराम, बरबर सलार की रेटिंग कम क्यों आती है, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं मरियम की। जैसे कि एपिसोड नंबर 19 में आपने देखा, जैसे कि दरवेश बाबा किला कलमनोस में जाते हैं तो मरियम बाबा दरवेश को देखकर गमजदा हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। मरियम को मालूम हो जाएगा कि पैत्रो ने इसके साथ खेल खेला और इसी खेल में आकर मरियम ने हिजर पर हमला किया और जासूसों के बारे में भी बताया, जिसका हिजर और बाबा अरूज को बहुत नुकसान हुआ। मगर आने वाले एपिसोड में बाबा अरूज को मालूम हो जाएगा कि मरियम बेकसूर है। इसी तरह बाबा दरवेश भी मरियम की मदद करेंगे। इसी तरह पैत्रो और मरियम एक बार फिर अलग हो जाएंगे। मगर यहाँ पर एक सवाल मेरा अपना नाज़रीन से भी है, क्या पैत्रो मरियम के लिए अपने आप को चेंज करेगा? क्या पैत्रो मुसलमान हो सकता है और वो बाबा अरूज की मदद करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर बात करें रेटिंग की, जैसे कि इस बार भी रेटिंग कम आई तो इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोड्यूसर की कुछ गलतियां हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर कभी आइनिश बायोक्सल जोकलो के क्लिप्स उठाकर बरबर सलार में डाल रहे हैं और कभी कोरलिश उस्मान के। वो अपनी खुद की मेहनत नहीं कर रहे और जो रेटिंग बढ़ रही है ये सिर्फ बाबा अरूज के फैंस की वजह से रेटिंग आ रही है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी है क्योंकि ये नया ड्रामा सीरियल है जिसकी वजह से इसकी रेटिंग कम आ रही है। मगर अपना जिन्हें घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आने वाली चंद एपिसोड में हम देखेंगे कि बरबर सलार की रेटिंग बढ़ेगी। इसी तरह वो कोरलिश उस्मान और एल बरसलान की रेटिंग को पीछे छोड़ देगी। बरबर सलार के हवाले से कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे से लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।